यदि बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसको समझना बहुत बड़ी बात होती है। उसकी प्रॉब्लम को कोई समझ सकता है तो उसकी माँ समझ सकती है या कोई डॉक्टर समझ सकता है। और सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, उसको पेट में ख़राब होने की प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम कास्पर ड्रॉप के बारे में बात करेंगे। कास्पर ड्रॉप क्या है, इसके कंटेंट, यूजेज, डोज एवं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश चाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। कास्पा एक ऐसा हर्बल ड्रॉप है जो बच्चों की डाइजेशन सिस्टम को सुधार कर उनकी पेट से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उनको दूर करके उनकी भूख बढ़ाने में भी मदद करता है। ये मेरे हाथ में कास्पर ड्रॉप है। ये कास्पर ड्रॉप को ब्रांड नेम दिया गया है, यहाँ पर कंपनी का नाम दिया गया है। चलिए इसकी कंपनी के बारे में बात करें तो ये बासु हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। चलिए इसके कंटेंट के बारे में और बात कर लेते हैं। इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो इसमें सोया होता है 40 mg, बचा 10 mg, चित्रका 6 mg, अजवाइन 5 mg, पुदीना 5 mg, लटक रानी 4 mg, बिदंग 4 mg, इलायची 3 mg, सती 3 mg और इंद्राप 2 mg होता है। तो इस तरह से इसमें कंटेंट है, ये सारे कंटेंट पेट की प्रॉब्लम के लिए। चलिए इसकी एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग एवं MRP के बारे में बात करें तो जो मेरे पास में ड्रॉप में है इसकी मैन्युफैक्चरिंग 7/2018 है और इसकी एक्सपायरी 6/2021 है। इसकी MRP की बात करें तो ये 65 रुपये का एक ड्रॉप है और ये 30 ml में ड्रॉप आता है। चलिए इसकी पैकिंग के बारे में और बात कर लेते हैं। इसकी पैकिंग के बारे में बात करें तो ये कॉटन पैकिंग में है। चलो उसको खोल के देख लेते हैं और मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या है। ये इसमें एक 30 ml की सिरप है और ये इसमें एक ड्रॉप है जो बच्चों के लिए ड्रॉप से दिया जाता है, इसलिए इसमें ड्रॉप दिया गया है। तो आप इसको ड्रॉप से दे के बच्चों को और पेट से संबंधित कई तरह की प्रॉब्लमों को दूर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी यूजेस के बारे में बात करें तो बच्चों में जो डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने के साथ साथ पेट से संबंधित कई तरह की प्रॉब्लमों को भी दूर करता है। जैसे बच्चों के पेट में दर्द होता है उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। बच्चों को फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम होती है, मतलब जिसे अफरा बोलते हैं, बच्चों के पेट पर सूजन आ जाती है, पेट फूलने लगता है, उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क देने के बाद में जो वोमिटिंग कर देते हैं, उनका जो मिल्क होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसमें भी आप बच्चों को कंटिन्यू देखे जो डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, मतलब उनका है ना कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, उसमें आप इसका यूज कर सकते हो। बच्चों में किसी गैस के कारण, गैस बन रही है उसके कारण पेट में दर्द रहता है बच्चों को, तो आप उसमें इसका यूज कर सकते हो। बच्चों में किसी तरह की आपको समझ में नहीं आ रही, बच्चों को पेट में प्रॉब्लम है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसमें भी आप कास्पर ड्रॉप को देकर बच्चों की पेट की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। आपके बच्चे ब्रेस्ट मिल्क नहीं लेते हैं और ना ही उनको लेने की इच्छा होती है और रोते रहते हैं, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। आपके बच्चे दो दो तीन तीन दिन तक पोटी नहीं करते हैं, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके बच्चों के लिए डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है, पेट में दर्द की प्रॉब्लम है, तो आप बच्चों के लिए ये यूज करके आप डाइजेशन सिस्टम की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। चलिए इसकी डोजेस के बारे में बात करें तो बच्चों के लिए 6 माह से नीचे जो बच्चे होते हैं उनके लिए 10 से 15 बूंद दिन में 3 से 4 बार आप इस ड्रॉप का यूज करवा सकते हैं। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये तो वैसे हर्बल ड्रॉप है, इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट है नहीं। यदि साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो बच्चों में रेसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस तरह के नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं। यदि बच्चों में डाइजेशन सिस्टम की कोई प्रॉब्लम, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम, तो आप बेझिझक इस ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। वैसे भी बिना डॉक्टर की एडवाइस से तो किसी भी तरह की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।